हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पतंजलि फूड्स के बारे में। पतंजलि फूड्स के शेयर्स में हमें पिछले कुछ दिनों से फॉल देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे रीज़न है कि एक्सचेंज ने पतंजलि फूड्स के प्रमोटर एंड प्रमोटर कंपनीज के शेयर्स को 8 अप्रैल तक फ्रीज कर दिया गया है। मीन्स 8 अप्रैल से पहले इन शेयर्स में बाइंग और सेलिंग नहीं की जा पाएगी। अब ऐसा एक्सचेंज ने क्यों किया है? तो सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसे 3 साल के अंदर अपने 25% शेयर्स पब्लिक में देने होते हैं। अब यही क्राइटेरिया पतंजलि फूड्स ने फुलफिल नहीं किया, इसीलिए एक्सचेंज ने पतंजलि फूड्स के प्रमोटर एंड प्रमोटर कंपनीज के शेयर्स को 8 अप्रैल तक फ्रीज कर दिया गया है। तो अगर अभी भी हम देखें तो पतंजलि फूड के प्रमोटर्स के पास 80% शेयर्स अभी भी हैं, और जिसकी 100% जो शेयर्स हैं उनको 8 अप्रैल तक फ्रीज कर दिया गया है। तो ऐसे टोटल 21 प्रमोटर एंड प्रमोटर एंटिटीज़ हैं जिनके शेयर्स को फ्रीज कर दिया गया है। तो पतंजलि फूड्स जो पहले रुचि सोया के नाम से पॉपुलर थी, जिसका बहुत पॉपुलर ब्रांड हम न्यूट्रेला जिससे हम फेमिलियर हैं, तो रुचि सोया जिसे पतंजलि ने बाद में एक्वायर करके उसका नाम चेंज करके पतंजलि फूड्स रख दिया था। तो 2019 में एक प्रोसेस NCLT प्रोसेस के बाद ही रुचि सोया को पतंजलि ने एक्वायर किया था। उस टाइम यह इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग थी रुचि सोया की, वो प्रमोटर होल्डिंग 98% थी। बाद में फिर लास्ट ईयर ही मार्च 2022 में पतंजलि फूड्स जो है ये एक FPO लेके आई, और वहाँ पे कंपनी ने 4,300 करोड़ जो शेयर्स थे वो सेल किए, और उसके बाद जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो घट के 80.82% हो गई, और पब्लिक के जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ के 19.18% हो गई। लेकिन अभी भी जो 6% होल्डिंग है वो पब्लिक में देना बाकी है। अब इस 6% होल्डिंग को पब्लिक में देने के लिए हो सकता है कि पतंजलि फूड्स जल्दी अपना FPO लेके आ सकती है। तो इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक भी जो टोटल 25% शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास नहीं आए हैं, जिसकी वजह से इनके जो होल्डिंग्स हैं प्रमोटर की होल्डिंग्स को सील कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो बाबा रामदेव हैं उनका कहना है कि ये एक शॉर्ट टर्म न्यूज़ है, और जिस तरीके का मार्केट में अभी सीन चल रहा था अदानी को लेके, हो सकता है इस रीजन से उनका FPO नहीं आया है। लेकिन बाबा रामदेव ने कहा है कि इसको लेके कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक नहीं हो, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म न्यूज़ है, वो जल्दी इस बारे में डिसीजन लेंगे और मार्केट का जैसे ही एक सीन क्लियर हो जाता है। क्योंकि मार्केट बिज़नेस जो पतंजलि फूड्स का जो बिज़नेस है वो काफ़ी रॉबस्ट है, इनकी मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल काफ़ी ग्रोइंग है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और FMCG की नंबर 2 कंपनी है, और जल्द ही नंबर 1 की रेस में ये आगे बढ़ रही है। नंबर 1 कंपनी ये अपने आप को बनाना चाहती है। तो इनके पाम ट्री वाले जो प्रोजेक्ट हैं, इन सभी चीज़ों को लेके जो कंपनी जो बिज़नेस है उसे लेके बाबा रामदेव काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, और उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बोला है कि इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और इसके बारे में जल्दी डिसीज़न लिया जाएगा कि किस तरीके से के 6% शेयर्स जो है अब पब्लिक में उनको लाने हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की भी तरफ देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। करेंटली ये स्टॉक 882 पे ट्रेड कर रहा है, और इसे अपना 52 वीक्स का हाई भी बनाया था। तो 52 वीक्स का हाई कंपनी ने 1495 पे बनाया था। कंपनी का ROE ROCE देखेंगे तो 15% से ज़्यादा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और अगर हम पिछले 5 सालों में देखें तो पिछले 5 सालों में 21% के CAGR से इनका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, एक ग्रोइंग कंपनी है, और जैसा मैंने बताया कि FMCG के सेक्टर में ये नंबर 1 की कंपनी बनने की रेस में आगे बढ़ रही है। तो इन सभी चीज़ों को लेके देखते हुए आपको इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इसकी होल्डिंग है तो आप इसमें बने रहें। आगे अगर ये कंपनी अपना FPO लाई थी तो इसके पिछले FPO को भी बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला था, और आने वाले FPO में भी ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इसमें अच्छा पैसा अर्न करने का। तो अगर आगे कोई अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो उसके ऊपर भी मैं आपको अपडेट कर दूँगी, एक वीडियो बना दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए, और ऐसे ही डेली के अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरीके के अगर आप फाइनेंस से जुड़े किसी भी तरीके के आपको अगर इश्यूज आते हैं, अगर आपको क्लासेस करनी है शेयर मार्केट की, या फिर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है, तो हर तरीके की यहाँ फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे पास हैं, जिसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।